सपना टपरियाल तप, कमलेश राणा रंजना एंड रोमा मेरी आवाज आ रही सबको हेलो 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 ओके गुड मॉर्निंग सुमन देखिए कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी तो अभी हम इसको जानेंगे थोड़ा सा देखना जो आपका सर्वनाम है उसके बारे में हम देख रहे थे छोटी सी क्लास से ज्यादा लंबा इसको हम नहीं खींचेंगे फिर शाम को विशेषण के बारे में जानेंगे ठीक है तो सामान्य सी चीजें हमने पिछली क्लास में भी जान ली थी इसके बारे में देखना कि सर्वनाम क्या है कैसे बनता है तो सब नामों के बदले जो शब्द आए यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो भी अन्य नाम आता है वही क्या कहलाता है अन्य नाम नहीं अन्य शब्द जो आता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं ठीक है तो ये बहुत आसान सा है और इसको जानना कि आपको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है वैसे कभी कभार ही ऐसे पूछने भी संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ठीक है तो आप सिंपल याद रखेंगे वो सर्वनाम है ठीक है यानी कि सर्व और नाम व्युत्पत्ति पर अर्थ इसका यही होगा सबका नाम सिंपल सवाल हालांकि आपने संज्ञा को भी पहले देखा था कि संज्ञा भी वैसे ही रहती है तो यहां पर बोला है कि सभी नामों के बदले जो शब्द आए वही सर्वनाम है जैसे मैं हम वे तुम लोग आप इत्यादि तो यहां पर देखिए दूसरी लाइन में लिखा है कि संज्ञा ये जो आपका सर्वनाम है इसका महत्व तो क्यों है है ना इस बात को लेकर के यहां पर लिखा है कि संज्ञा से पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु सर्वनामों का प्रयोग होता है पुनरुक्ति दोष क्या होता है एक ही शब्द का जब बार बार आना बार बार आने को ही पुनरुक्ति कहते हैं तो यहां पर यह कह रहा है कि संज्ञा शब्द बार बार ना आए ठीक है तो ये अपने आप में एक दुष्पूर्ण वाक्य होता है या दुष्पूर्ण प्रोक्ति होती है प्रोक्ति का मतलब होता है जहां पर तीन चार लाइनें आपकी जो है वो तीन चार या एक पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके पास रहेगा ठीक है तो यहां पर ये क्या कह रहा है देखिए जैसे दो वाक्य हमारे पास एक में पुनरुक्ति जो संज्ञा पुनरुक्ति दोष है दूसरा जो है पुनरुक्ति दोष मुक्त है ठीक है तो यहां से ये आपको समझ में आ जाएगा कि विशेषण जो है वो कितना विशेषण सॉरी सर्वनाम जो है वो कितना आवश्यक है तो जैसे पहला वाक्य लिखा है देखिए राम मेरा मित्र है ठीक है राम क्या है मेरा मित्र है राम बहुत मेहनती है राम अपने घर में सबसे छोटा है राम की पढ़ाई पढ़ाई में विशेष रूप से रुचि है तो यहाँ पर देखिए राम फिर से आ रहा है राम राम फिर से आ रहा है फिर से यहाँ पर राम शब्द आ रहा है यहाँ पर भी राम शब्द आ रहा है ठीक है लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ठीक है जैसे दूसरा वाक्य है यहाँ पर देखिए राम मेरा मित्र है वह बहुत मेहनती है वह अपने घर में सबसे छोटा है और उसकी पढ़ाई में विशेष रुचि है यहाँ पर देखिए पहले पहल तो आपका राम आ गया ठीक है संज्ञा है लेकिन उसके बाद हमने इसकी जगह क्या जोड़ दिया वह जोड़ दिया ठीक है ये क्या आ गया सर्वनाम आ गया यहाँ पर भी सर्वनाम आ गया और उसकी भी क्या आ गया यहाँ पर सर्वनाम आ गया तो अब बहुत सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोषयुक्त होने से ही क्या निकलता है आपका जो सर्वनाम बनता है कि भाई उस दोष से उसको मुक्त किया जाए ठीक है तो ये बहुत जरूरी है और आम इंसान अपनी जिन, निजी जिंदगी में हमेशा जो है इस प्रकार जो आपका संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का ही प्रयोग जो है वो इस दोष से बचने के लिए करता है और हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो ये सामान्य सी बातें हैं देखना कि महत्व इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार जो है संज्ञा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी जो बातचीत है वो दोषपूर्ण हो जाती है ठीक है अब यहां पर देखिए सर्वनामों की कुल संख्या अब यहां पर भेदों की बात नहीं हो रही है देखना संख्या की बात हो रही है तो यहां पर यह कह रहा है कि संख्या जो है ग्यारह है और ये ग्यारह संख्या किसने बताई थी मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था कि जो कामता प्रसाद गुरु रहे हैं जिन्हें हम हिंदी का पाणिनी कहते हैं और जिन्होंने हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ जो है वो लिखा है ठीक है उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या बताया उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि जो सर्वनामों की संख्या है वो ग्यारह है जैसे मैं तू वह आप जो सो कौन कोई कुछ यह क्या ठीक है यही ग्यारह संख्या मानी जाती है देखना ये मूल है हालांकि इन्हीं ग्यारह से कुछ और भी शब्द बने हैं जैसे मैं से कौन कौन से शब्द बने मैं से मुझे बना मेरा बना ठीक है हमें बना ऐसे कुछ शब्द बने ना तू से तुम तुम है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे है ना ऐसे शब्द निकले यहां पर कभी कभार ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि तुम इनमें से कौन सा जो है मूल सर्वनाम है हालांकि वो भी सर्वनाम के ही रूप है देखना जो मैं आपको अभी बता रहा हूं लेकिन वो मूल में नहीं है मूल में आपके यही रहेंगे जैसे मैं तू वह इत्यादि ठीक है इनको आपने ध्यान में रखना है तो संख्या अगर आपको पूछे सर्वनामों की मुख्य रूप से तो ये हो जाएगी आपकी ग्यारह और इन्हीं से ही आपके आगे अन्य शब्द निकले अन्य सर्वनाम निकले वो आप बाद में पढ़ेंगे जब आप इनके भेदों और उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो ऑप्शन में आपको आ सकता है देखना इनमें से कौन सा जो है आपका मूल सर्वनाम नहीं है तो यहां पर ये, ये आपको पता होना चाहिए मैं तो वह आप जो सो कौन कोई कुछ यह क्या ठीक है तो इनको याद रख लेना अब आते बात आती है कि इनके भेद कितने भागों में किए गए हैं तो सर्वनाम के भेद ये कई बार पूछा जाता है पेपर में इसको याद रख लेना है बहुत साधारण सी बात है देखना छह है ये और इनका कोई निश्चित क्रम वैसे है नहीं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा तो जो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको देखिए है। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है दूसरा निश्चयवाचक तीसरा अनिश्चयवाचक चौथा संबंधवाचक पांचवा प्रश्नवाचक और छठा जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है ठीक है ये है इसके छह भेद जो आपको याद रखने हैं है ना अब हम इनके बारे में सिलसिले बात करके एक एक चीज को देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या रहता है निश्चयवाचक क्या रहता है ठीक है या अनिश्चयवाचक इत्यादि क्या क्या रहने वाले हैं तो सबसे पहले यहां पर है आपके पास पुरुषवाचक सर्वनाम तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हम हमेशा क्या बोला हमने पहली जो हमने पहले पहल जब हम इसको पढ़ रहे थे, थे सर्वनाम के बारे में तो वहां पर हमने क्या जाना वहां पर हमने देखा कि भाई बातचीत के में जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं वही आपके सर्वनाम है तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में ही ये बातचीत वाला जो रूप है ये आपको बहुत आसानी से समझ में रखना है यहां पर लिखा देखिए कि वार्तालाप या बातचीत के आधार पर व्यक्ति के तीन रूप होते हैं जब हम बात करते हैं ना तो उस वक्त तीन रूप माने जाते हैं जैसे एक बात को बोलने वाला होता है जिसको हम वक्ता कहते हैं एक बात को सुनने वाला होता है जो श्रोता रहता है और एक तीसरा होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है इसको हम तटस्थ नाम भी देते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम को जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ये तीन चीजें जो है वो ध्यान में जरूर लानी है कि एक बात को बोलने वाला है एक बात को सुनने वाला है और एक तीसरा है जिसके बारे में बात हो रही है तो इसी बातचीत के आधार पर ही यह बोला गया है कि भाई वक्ता श्रोता और अन्य स्वरूप का बोधक कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं वही क्या है वही आपके पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाते हैं बहुत इजीली आपको ये याद रख लेना है देखना ठीक है अब ये बोल रहा है कि इन्हीं तीन वक्ता श्रोता और अन्य के बारे में ही आपको याद रख लेना है कि इन्हीं के आधार पर ही इसके तीन भेद भी होते हैं ठीक है सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो वक्ता है अब देखिए हमेशा जैसे मैं हम मुझे ये शब्द किस में आते हैं ये आते हैं आपके पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक में यानी कि हम स्वयं को क्या समझते हैं उत्तम समझते हैं श्रेष्ठ समझते हैं ऐसे आपको इसको समझना है दूसरा आता है मध्यम पुरुष ठीक है जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति है तो उसको आप कहते हैं तू है? या तुम पुकारते हैं ठीक है तुम्हारा इस प्रकार के शब्द पुरुष जो श्रोता गण आते हैं जिसके संदर्भ में बात हो रही हूँ तो यहाँ पर आपको मेनली ये तीन चीजें याद रख लेनी है जिसमें अन्य में आता है वह वे इत्यादि ठीक है इस तरीके के शब्द है ना जो दूर है हमसे पास भी नहीं है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया ये इसके तीन भेद हो गए अब हम सिलसिलवार करके एक एक चीज देखेंगे इसमें देखना पहली बात यहां पर क्या आ रही है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए जो शुरुआती है आपके पास यहां पर कह रहा भाई ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वरूप के बोधक हो तो ये तो आपने यहां से ही शुरू कर दिया था देखना इसको देखना मतलब ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है जो सर्व उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है जो बोलने वाले के स्वरूप के बोधक हो यानी कि जिस जो आपका वक्ता है ठीक है सर्वनाम जो वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा सर्वनाम जो वक्ता के लिए बोलने वाले के लिए जो प्रयुक्त हो रहा है वो ये आपका क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ठीक है अब ये किससे शुरू होते हैं देखना ये ध्यान रख लेना है हम से शुरू होते हैं ह हर से ठीक है दो चीजें हैं देखना ह हर से शुरू होने वाले जितने भी आपके सर्वनाम हैं तो समझ लेना कि वो यहां पर क्या हो जाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे ठीक है यहां पर देखिए म से कौन से हैं म से मैं है मैंने मेरा मुझे मुझ में मुझ में मुझसे इत्यादि ठीक है तो इनको आप देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ठीक है अब भाव से देखिए कौन से हैं हम हमें हमारा हमारी हमारे हम में हम ठीक है इस तरीके के जो शब्द हैं ये क्या हैं ये हैं आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जहां व्यक्ति अपने बारे में बात करे ठीक है या फिर अपने को ही बताता है ठीक है तो वहां पर क्या है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली दो बातें हैं देखना जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी पर आपको किसी कारणवश जो है वो सुनाई नहीं दे पड़ रहा तो यहां पर क्या बोल रहा है पहली बात देखिए क्या बोल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे री या का के, की आता है वे पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों ही माने जाते हैं लेकिन विवाद की स्थिति में या विकल्प में दोनों होने पर संबंधवाचक सर्वनाम ज्यादा मान्य होगा जैसे यहां पर देखिए मेरी घड़ी अगर तो मेरी शब्द स्वतंत्र है तब उसमें क्या है तब उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है लेकिन अगर उसके साथ जो है कोई संज्ञा शब्द जुड़ रहा है आगे या कोई भी चीज जुड़ रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर जो है वो संबंधवाचक हो जाएगा ठीक है ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है जैसे मेरी घड़ी तो इसका संबंध है ना मुझसे तो विवाद की स्थिति में ये क्या बोल रहा है वैसे तो मेरी किसका है वेरी तो सर्वनाम जो रहेगा वो आपका उत्तम पुरुष सर्ववाचक सर्वनाम है ठीक है जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जैसे मेरा के बाद मेरी ही आएगा है ना तो यहां पर जैसे हमारा घर अब वैसे तो आप देखेंगे हमारा जो है वो क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है लेकिन ये कह रहा है कि विवाद की स्थिति पर क्या हो जाएगा विवाद की स्थिति पर जो है ये संबंध वाचक हो जाएगा क्योंकि किसी न किसी चीज से उसका संबंध जरूर बताया गया रहता है ठीक है तो ये बात याद रख लेना है ओके तो ये इंपॉर्टेंट चीज है देखना ये आपको पूछी जा सकती है तो वहां पर आपको क्या रहेगा संबंध ही स्थापित करता है वो ज्यादा तो ज्यादातर ऐसे जो आपके शब्द रहेंगे सर्वनाम शब्द रहेंगे वो जो है संबंध वाचक में ज्यादा माने जाते हैं क्योंकि संबंध वाचक से आपको याद रख लेना है ना कि संबंध कारक जो होता है उसमें क्या आता है काके की और रारे री ठीक है जब आप कारक चिन्हों को पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में जो कारक है उसके कितने भेद हैं आठ भेद हैं ठीक है तो ये यहां पर है देखिए रारेडी और काके की ये किस में आता है संबंध कारक की विभक्ति में इनको रखते हैं ठीक है तो वहीं से आपको याद रख लेना है कि इसमें क्या हो जाएगा संबंध वाचक सरपनाम हालांकि संबंध वाचक अगर ऑप्शन में ना हो तब जो है आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम करेंगे अगर दोनों हो गए तो फिर दोबारा आपको संबंध वाचक की तरफ ही जाना है ये पहली ध्यान देने वाली बात है यहां पर दूसरा ये क्या कह रहा है देखना इसमें ही ये बोल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रारे री आता है उनके साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होता है यानी कि वो वाक्य अपने आप में अशुद्ध हो जाता है जैसे हमारे को मेरे को ठीक है ये क्या है ये भी आपका जो है वो क्या रहेगा अशुद्ध रहेगा इनके साथ कारक जो है वो नहीं लगेंगे जैसे मेरे से मेरे से नहीं होता सिर्फ मुझे होगा ठीक है? है ना तो ये आपको यहां पर सिंपल सी बातें हैं जो ध्यान में रख लेनी है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है जहां कहीं भी आपको मैं मेरा मुझे तुझे तुझे नहीं सॉरी मुझे हमे हमारा हमारी इत्यादि इस तरीके के शब्द दिखे वो बहुत आसानी से आपको समझ लेने हैं ठीक है अब दूसरे नंबर पर आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से बातचीत के श्रोता का बोध होता है कि भाई कोई सुनने वाला भी है उसका बोध हो जाए तो वो क्या है वो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तो यहां पर ये त और अ से शुरू होते हैं ठीक है तो यहां पर ध्यान में रख लेना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो किससे शुरू होते हैं तव अर्ग तव त से, आ से और अ से ठीक है यानी कि त और अ से आरंभ होने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के माने जाते हैं अब देखिए है, जैसे त से देखिए कौन सा है तू तु है तूने है तुम्हें है तुझे है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे ठीक है तुम ही, तेरा तेरा तेरे तेरी ये शब्द देखिए कितने सारे हैं ठीक है थीके? तो ये मध्यम पुरुष है सारे के सारे किससे शुरू हुए हैं वर्ण से शुरू हुए अवर्ण से भी देखिए आपने आपसे आपको आप में आपके इत्यादि ठीक है ये क्या हो गए ये हो गए आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ध्यान क्या रख लेना है त और अ याद रख लेना है बस ठीक है त और अ से शुरू होने वाले जो सर्वनाम है ओके अब इसमें भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं एक तो आपने पहले देख लिया कि भाई श्रोता का संबंध है ठीक है जैसे तूने तूने आपने बोल दिया किसी को वो सामने होगा ना तभी हम तूने कहेंगे तुझे कहेंगे तुम्हें कहेंगे ठीक है ऐसे करके आप कहेंगे आपने कहेंगे है ना आपने सुना ठीक है आपने सुना वह मेहनती है ठीक है वह मतलब अव्वलाया है ऐसे भी कुछ आप कह सकते हैं तो यहां पर आपने शब्द जो है वो क्या हो गया वो हो गया आपका मध्यम पुरुष और वह जो है वो हमें किसी तीसरे के लिए कह रहे हैं देखना जो हमारे पास नहीं है ठीक है उसके लिए हम कह रहे हैं ना तो वहां पर क्या हो गया वह जो है आपका उत्तम पुरुष हो गया ठीक है तो यहां पर यही बात ये कह रहा है ठीक है इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है देखिए इसमें बहुत सारी है यहां पर देखना पहले नंबर पर क्या रहा है तू सर्वनाम जो है वो निकटता और अनादर दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है अब ये निकटता और अनादर के लिए कैसे हैं कई बार हम जो है तू शब्द बोल देते हैं जो अपना बहुत करीबी होता है चाहे वो कितने ही बड़े पर क्यों ना हो लेकिन अगर हमारी उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है अच्छे रिलेशन है ठीक है या पक, कई बार हम उम्र होते हैं अच्छी दोस्ती होती है तो हम उसको क्या कहते हैं तू कह देते हैं ठीक है या फिर अगर हम किसी को अनादर करना हो किसी को ठीक है तब हम उसको तू कहते हैं तो एक तो ये चीज आपको जरूर याद रख लेनी है कि जो आपका निकटता और अनादर दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है वो कौन सा है तो आपको याद रख लेना है तू या फिर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है निकटता व अनादर दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है तू या किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है तो आपको सिंपली याद रख लेना है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ठीक है ऐसे करके भी आपको प्रश्न जो है वो पूछा सक पूछा जा सकता है तो इसलिए इसको भी याद रख लेना है ओके अब दूसरी बात क्या आती है दूसरी बात आती है कि तुम और आप एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में ही प्रयुक्त होता है यह भी बहुत सही बात है देखना कई बार क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं तुम लोग ठीक है तो तब वो बहुत सारे लोगों के लिए क्या हो गया प्रयुक्त हो गया बहुवचन हो गया आप अगर तुम किसी एक व्यक्ति के लिए भी हम बोलते हैं तुम मुझे मतलब अपनी कॉपी दो ठीक है तो यहां पर तुम जो है वो किसी एक व्यक्ति से कह रहे हैं ठीक है आप आप जो है हम आदरपूर्वक भी वैसे किसी को बोलते हैं लेकिन आप जो है वो आप ऐसे भी बोलते हैं आम बातचीत में ही है ना तो वो एक वचन के लिए भी बोलेंगे आप दो लोगों को भी आप बोलेंगे एक को भी आप बोलना होगा तो आप ही बोलेंगे तो इसलिए यहां पर क्या हो गया तुम और आप जो है एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में ही प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है ये भी आपको ध्यान में रख लेना है अब तीसरी ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है देखना कि जिन सर्वनाम शब्दों के साथ रे री और का के की जुड़ा रहता है वे पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों ही सर्वनाम होते हैं फिर से वही बात जो पीछे आ गई क्योंकि हम पढ़ तो अभी पुरुषवाचक सर्वनाम ही पढ़ रहे हैं भले ही हम जो है मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर भी ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक ही मान्य होगा ठीक है जैसे तेरा तेरी तेरे तुम्हारी तुम्हारे आपकी आपके आप आपकी इत्यादि ठीक है ऐसे जो शब्द रहे हैं ये क्या रहेंगे आपके देखना इसमें यह कह रहा है कि संबंधवाचक होगा उदाहरण के तौर पर यहां लिखा है देखिए मेरा या तेरा मकान या आपका घर तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं मेरा मकान तो वो निश्चित है कि वो क्या है मेरा है मुझसे उसका संबंध है ठीक है तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका यहां पर देखना संबंधवाचक सरना जैसे आपका घर तो यहां पर भी क्या लगा है देखिए का लगा है ना लास्ट में यहां पर रा लगा है यहां पर भी रा लगा है जैसे हमारा हो गया तुम्हारा हो गया ठीक है उसका हो गया आपकी आपका की जगह तब भी क्या होगा तब भी यहां पर संबंध होगा बस आपको समझ रखनी है इसकी थोड़ी सी और कुछ भी नहीं आएगा अदरवाइज अगर ये सिंपल शब्द आ रहे हैं सिर्फ एक शब्द आ रहा है तो वहां पर आपको जानना है कि इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो है आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा ठीक है चौथे नंबर पर क्या थे? आती है चौथी ध्यान देने वाली बात जो इसमें है देखना कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रारेरी आता है कारक चिन्ह का प्रयोग उनके साथ नहीं होता यह तो हमने पीछे भी देखा जैसे हमारे को मेरे से इत्यादि जो यहाँ पर यहां पर भी आ, हमारे को जगह आएगा जैसे तुझ को, तेरा से आएगा ये उल्टा हो गया है ना ये क्या हो गया ये उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारे तो उत्तम पुरुष में आता है ना और मेरे भी उत्तम में आता है यहां मेरे की जगह तेरे कर देना हमारे की जगह जो है ये झ कर लेना ठीक है ऐसे करके आप इसको मुझे ठीक है नहीं मुझे नहीं होगा फिर से मुझे नहीं होगा तुझे होगा ठीक है यहां पर क्या होगा हमारे की जगह जो है तेरे होगा तो तेरे को नहीं होगा ठीक है ऐसे कर सकते हैं आप यहां भी तेरे लिख दीजिए ठीक है थीके? या तुम तुम लिख देंगे तो तुमको भी नहीं होगा है ना तुझको हम ऐसे शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं ना तुझको मुझको वो नहीं होगा वो असत्य हो जाएगा मतलब अशुद्ध हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जिन शब्दों के अंत में रा रे री आता है उनके साथ किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह जो है वो प्रयोग में नहीं रहता क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है क्या है कारक लग चुका होता है रा रे री और का का के की ठीक है ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है लेकिन यहां पर थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है देखना इसको थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि मेरे और हमारे शब्द जो है वो मध्यम पुरुष में नहीं आते वो जो है उत्तम पुरुष में आते हैं यहां पर आपको तेरे तुझे इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करना है ठीक है बात समझ में आ गई यहां तक मुश्किल तो नहीं लग रहा है आसान है बहुत ही आसान है यहां तक ओके ओके yes, okay. चलिए आगे देखते हैं नंबर पर आता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थोड़ा सा लंबा है ये पुरुषवाचक सर्वनाम बाकी छोटे छोटे ही है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए यहां पर अन्य की बात हो रही है सिंपल सा ऐसे सर्वनाम शब्द जो ऐसे व्यक्ति के लिए आते हैं जिसके संबंध में बातचीत हो रही होती है या बातचीत में जो शामिल नहीं होता यहाँ पर देखिए व उ से शुरू होने वाले सर्वनाम शब्दों में प्राय अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तो सबसे पहले देखा आपने ह और म से ये क्या हो जाएगा ये शॉर्ट ट्रिक है देखना इसको याद रख लेना ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष ठीक है उसके बाद आपने देखा त और अ से ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष ठीक है अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि इसमें व और उ व शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो हैं अन्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं पहले जैसे ऊ से है उन्हें उन्होंने उनसे उनमें उनकी उनका उनके ठीक है उनको यहाँ पर अनको हो गया ये ऊ है ठीक है और वह से वह या वे इत्यादि ठीक है वह वे वो इत्यादि ठीक है ये जो रहेंगे ये शब्द क्या हो गए आपके ये हो गया आपके अन्य पुरुष मतलब किसी दूर की चीज के लिए आपकी बात हो रही है है ना तीसरे की बात हो रही है जो बातचीत में शामिल नहीं है ठीक है अब यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात इसमें भी एक है कि जिनके अंत में का आता है वे यहां पर दोबारा क्या हो जाएंगे संबंधवाचक और पुरुषवाचक दोनों ही रहेंगे लेकिन विवाद की स्थिति में यहां पर भी क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा ठीक है तो ये बात आप ध्यान में रख लेना ठीक हो गया तो यही था आपका देखना इसमें तो कुछ था ही नहीं किसी तीसरे के लिए है ना ठीक है इजी था ये इसमें तो आपको वह वे इत्यादि शब्द याद रखने हैं उन्हें इत्यादि जो मतलब पास में नहीं होने वाले हैं ठीक है ये था आपका यहां पर कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में आप याद रखेंगे अब दूसरे नंबर पर आता है देखना आपका जो निश्चय वाचक सर्वनाम है इसको आपको देखना है नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज निश्चित है क्या है निश्चित है यहां पर क्या लिखा है देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध हो ठीक है कि आप निश्चित हैं कि कोई क्या है आप कोई भी चीज है वो निश्चित है वही है, है ना ऐसे शब्द जिससे आपको क्या हो जाए निकट या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में जो बताई जाती हैं, वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। अब ये नजदीक और दूर के उदाहरण को यहां पर समझिए नजदीक के लिए आता है यह ये इस इन। ठीक है ये चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा से पहले आए हर स्थिति में निश्चय वाचक ही माने जाते हैं तो ये बोल रहा है भाई कि जो नजदीक के होते हैं ना उनके उदाहरण कौन कौन से यह ये इस इन ठीक है अब बोल रहा है चाहे अकेले अकेले आने का मतलब है सिंपल आप इसके बाद कुछ भी नहीं मिलता आपको ठीक है या संज्ञा से पहले आ जाए ठीक है देखिए यहां पर पुस्तक क्या है 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 संज्ञा ना इसको खाना दो. खाना दो क्या क्या है? क्रिया है. तो यहां पर क्या हो गया अब ये अलग से आ गया यहां पर संज्ञा के साथ में आ गया ठीक है इन बच्चों बच्चे भी क्या है यहां पर बच्चे भी यहां पर संज्ञा है तो यहां पर ये बोल रहा है कि ये किसी भी स्थिति में रहे चाहे वो अकेले रहे या फिर संज्ञा शब्द के साथ आए हर स्थिति में ये निश्चय वाचक सर्वनाम ही रहते हैं ठीक है इनको आपको याद रख लेना है जैसे यह पुस्तक मेरी है देखिए यह क्या है यह यहां पर निश्चित है कि कोई बुक है कोई संज्ञा शब्द है ना पुस्तक तो यहां पर क्या आ रहा है यह पुस्तक मेरी है तो निश्चित है इसको खाना दो इन बच्चों को समझाओ यह हो गया नजदीक के लिए अब दूर के लिए दूर के लिए वह वे उन या उस ठीक है ये शब्द हैं दूर के लिए अकेले या इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और संज्ञा से पूर्व आने पर निश्चय वाचक सर्वनाम माने जाएंगे तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रख लेनी है देखना यह रहा है कि अगर ये अकेले या फिर इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द हो तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे अब उदाहरण से समझिए इस बात को यहां पर लिखा देखिए वह पढ़ रहा है तो यहां पर क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या क्यों क्योंकि इसके बाद यहां पर क्या है यहां पर जो है आपका वह के बाद पढ़ना क्या है पढ़ना तो क्रिया है लेकिन यहां के क्या बोला कि इसके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द आए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ठीक है लेकिन दूसरी चीज क्या कह रहा है ये संज्ञा से पूर्व आने पर निश्चयवाचक हो जाएगा तो यहां पर निश्चित नहीं है ना कि वो पढ़ क्या रहा है तो इसलिए यहां पर क्या हो गया अन्य पुरुष हो गया वह पढ़ रहा है ठीक है अन्य पुरुष आ गया ना अब दूसरा देखिए यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम वह व्यक्ति पढ़ रहा है अब व्यक्ति क्या है व्यक्ति तो आपने पहले ही देखा था कि व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव वो संज्ञा है तो यहां पर क्या है वह जो है व्यक्ति के साथ जुड़ गया व्यक्ति अपना संज्ञा शब्द है तो इसलिए यहां पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया क्योंकि निश्चित हो गया कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वहां पर अगर आप सिंपल लिखें कि वह पढ़ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और हो अन्य के लिए आता है ठीक है लेकिन अगर इसमें संज्ञा जुड़ गई तो समझ लेना है कि ये क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया बात समझ में आ गई इसकी ओके ओके चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं ये हो गया दूसरा देखना इसमें कुछ भी नहीं है बस आपको सिर्फ यही याद रख लेना है थोड़ा सा यहाँ से ही सस्पेंस क्रिएट होता है देखना और पेपर में ऐसी चीजों को ही पूछते हैं तो इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिए बाकी चीजें तो आपको ऑलरेडी पहले से ही आती है ठीक है अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर अनिश्चय वाचक सरना ये बिल्कुल उसका विपरीत हो जाएगा देखना जो अभी आपने देखा मतलब वहां पर निश्चित थे हम कि भाई क्या है कोई भी व्यक्ति है विशेष है लेकिन यहां पर यह क्या कर रहा है कि अनिश्चित है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध हो वो क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये केवल तीन ही माने जाते हैं देखना जैसे एक है कोई ये सजीव वस्तुओं के लिए होता है कुछ ये सजीव और निर्जीव के लिए होगा जैसे किसी ये सजीव के लिए ही रहता है तो यहां पर आपको ध्यान में रख लेना है कि कोई कुछ या किसी इस तरीके के शब्द आए तो समझ लेना है कि वो क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जैसे हम कोई है ना अब कोई में निश्चित तो है नहीं कि कौन आया ठीक है कुछ कुछ पता नहीं कि क्या कुछ हो गया ठीक है और किसी किसी का भी आपको कोई मालूम नहीं है कि क्या है तो यहां पर भी आप क्या है आप निश्चित नहीं है आप जो है सस्पेंस में ही है ठीक है तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम बस शब्द आपको तीन ही याद रख लेने हैं कोई कुछ किसी ठीक है अब ध्यान देने वाली बात इसमें भी है देखना ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर यह कह रहा है कि कोई व कुछ यदि अकेले आए या इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द आए जो हमने पीछे भी पढ़ा देखना कि भाई अगर संज्ञा के साथ जुड़ते हैं तब क्या हो जाते हैं तब वो निश्चय होता है तो यहां पर यह क्या कह कि कोई कुछ यदि अकेले आए या इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द आए तो ही ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं देखना यदि इनके बाद संज्ञा शब्द आता है तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण आ जाते हैं क्या हो जाते हैं सार्वनामिक विशेषण अनिश्चयवाचक अब आपको ये देखना है देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए यहां पर पहले आया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ तो जैसे कोई आया है अब यहां पर देखिए कोई के बाद आया लिख दिया सिंपली आने आने की क्रिया हुई तो यहां पर क्या बोल रहा है कि यदि कोई और कुछ अकेले आए तो यहां पर यह अकेले ही आए ना संज्ञा शब्द को नहीं लाए साथ में तो यहां पर क्या बोल रहा है ये कि कोई कुछ अकेले आए या इनके बाद संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्द आए तो आया शब्द संज्ञा नहीं, नहीं है आया क्या है आना तो क्रिया है ठीक है जैसे तो यहां पर क्या हो जाएगा क्या हो गया आपका ये ये हो गया आपका सिंपली देखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही जैसे किसी ने कहा अब किसी के बाद सीधा नया आ गया कारक चिन्ह ठीक है और कहा आ गया कहना भी आपकी क्रिया आ गई संज्ञा नहीं आई तो समझ लीजिए कि यह अनिश्चित है जैसे चाय में कुछ गिरा अब चाय में कुछ गिरा अब देखिए चाय तो पहले ही आ गया ठीक तो है कुछ कुछ क्या है कुछ तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है लेकिन इसके बाद ये कह रहा है कि संज्ञा अब गिरना संज्ञा नहीं है गिरना फिर से यहां पर क्या है क्रिया है ठीक है तो यहां पर भी क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया लेकिन अब हम अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण देखते हैं जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं अब लोग क्या है लोग क्या है लोग है आपका संज्ञा ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यहां पर यह सार्वनामिक विशेषण हो गया ठीक है तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है जैसे कुछ लड़के खाना खा रहे हैं ठीक है अब कुछ लड़के यहां पर लड़के हो गया ठीक है कोई अनहोनी अनहोनी क्या है अपने आप में एक भाव है ठीक है तो कोई अनहोनी ये भी आपका संज्ञा शब्द है देखना यहां पर भी क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इनको आपने ध्यान में रख लेना है दो चीजें हैं देखना और इनको आप एकदम से याद रख लीजिए काम आने वाली चीजें हैं ऐसी चीजें आपको परीक्षा में पूछ लेते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर पर जो आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम था ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा अब अगला जो आता है ये है आपके पास प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें कुछ भी नहीं करना है बस आपको सिंपली याद रख लेना है कि जहां कहीं भी प्रश्न करने के लिए कोई भी शब्द रखा गया हो तो समझ लेना है कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ठीक है अब इसमें क्या है देखिए बहुत सिंपल से शब्द हैं यहाँ पर जो कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने बोला कि मूल रूप से तो दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं भाई एक है कौन और एक है कया तो कौन और क्या जो है ये आपको प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान देना है कि ये मूल रूप से माने हैं कामता प्रसाद गुरु ने कि भाई दो ही प्रश्नवाचक जो है वो सर्वनाम होते हैं ठीक है लेकिन बाकी जितने भी प्रश्न करने वाले जो शब्द हैं देखना उन्हें भी हम क्या मानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम मानते हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात क्या है सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए आए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा और यदि प्रश्नवाचक शब्द किसी विशेषता बताने हेतु हो तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण माना जाता है तो पर अब सार्वनामिक विशेषण फिर से आ गया देखना तो यहां पर देखिए उदाहरण से आप इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको यह समझ में आ जाएगी जैसे पहले पहला उदाहरण है यहां पर राधा क्या कर रही है ठीक है तो ये तो सिंपली प्रश्न कर रहे हैं ना हम यहां पर तो यहां पर क्या हो गया यह आपका प्रश्नवाचक हो गया वहां कौन आया है यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया ठीक है अब अगली जो चीज आती है देखिए यहां पर प्रश्नवाचक की विशेषण है दूसरे उदाहरण में वह क्या बात है क्या बात का मतलब है यहां पर कि कोई चीज हुई है तो अच्छा क्या है विशेषता है इसीलिए वो क्या है सार्वनामिक विशेषण है ठीक है वह क्या बात है अरे वाह क्या खूबसूरत आवाज है तो यहां पर क्या खूबसूरत यानी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत आवाज है इसलिए भी ये क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया ठीक है या कितना सुंदर दृश्य है अब कितना अपने आप में तो वो प्रश्नवाचक है सुंदर का मतलब है कि आप उसको बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है ठीक है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि वहां पर प्रश्न नहीं है वहां पर आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है ठीक है तो इसको आप ध्यान में रख लेना ये सामान्य सी बात थी ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं था ओके बहुत सिंपल और साधारण से शब्दों से यहां पर बताने की कोशिश की गई है देखना बस इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए इसको याद रख लिया तो लाइफ जिंगल ठीक ला। है ध्यान रखना इनको और आपको यह हमेशा पता होना चाहिए क्या क्या बातें इसमें रहने वाली है प्रश्नवाचक सर्व, नहीं करना है सिर्फ प्रश्न देखना है अगर कहीं पर किसी भी चीज की विशेषता गुण इत्यादि को दिखाने की चीज की गई हो तो समझ लेना कि वो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है वो जो है प्रश्न नहीं है ठीक है ओके चलिए आगे देखते हैं अगला जो आता है देखना सर्वनाम का भेद ये है संबंधवाचक तो इसको तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है तो यहां पर क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए वही आपका क्या है संबंधवाचक सर्वनाम होता है ये या तो जोड़े में आएगा या फिर जो है आपका रारे री और काके की में आता है ठीक है जोड़े का मतलब क्या है देखना जैसे जो आया है सो आएगा जैसे जो के बाद जस और तस जैसा तैसा भी आप सब कह सकते हैं ठीक है जस तस जैसा तैसा ऐसे शब्द जब रहते हैं तो वहां पर आप समझते हैं कि एक चीज आपकी क्या रहेगी संबंध रहेगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे जो आया है सो जाएगा ठीक है जो आया है सो गया भी है ठीक है तो ये क्या है जो और सो शब्द आ गया ना तो संबंध वाचक है लेकिन ये कह रहा है कि भाई ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके अंत में रारे री और की, की आता है वो भी जो है वो क्या आते हैं संबंधवाचक में आते हैं क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके थे जब हम बद जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे वहां पर हमने इसको जाना था ठीक है वैसे तो हमेशा इसका उदाहरण जो और सो ही रहता है देखना लेकिन ये जो अगर आपका इस तरीके से आ जाता है कि यह किताब मेरी है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर भी आपका संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा देखना यहां पर मेरी शब्द जो है वो क्या हो जाएगा वो आपका पुरुषवाचक नहीं होगा वो हो जाएगा मुझसे या मेरी मुझसे उससे संबंध रहा उस किताब का इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा ठीक है आसानी से इसको समझना है आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है अमूमन आपको यहां से ऐसे ही पूछता है देखना कि जो और सो जस तस जैसा तैसा ऐसे शब्द आते हैं ठीक है जो के साथ वह हाँ भी लग जाता है कई बार जो काला लड़का है वह मेरा दोस्त है, है ना? ऐसे करके आप उसको कहेंगे तो वहां पर क्या हो गया संबंध हो गया ना कि मेरा उससे संबंध है ठीक है वैसे करके आप इसको याद रखेंगे ठीक है तो जो सो जो वह ठीक है जैसे तैसा जस तस ऐसे शब्द आ रहे हैं तो समझ लेना कि यह संबंध वाचक है कि एक चीज दूसरे के साथ है कनेक्ट या नहीं है इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे आप अब लास्ट में आता है आपका देखना निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होते हैं ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए ही करता है देखना ठीक है स्वयं के लिए नहीं अपने आप के लिए ठीक है जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं आप स्वतः खुद स्वयं ठीक है ये शब्द आते हैं इसमें जैसे मैं अपने आप करूंगा ठीक है यहां पर वक्ता अपने आप बोल, के लिए बोल रहा है ना कि मैं अपने आप करूंगा मैं स्वयं लिखूंगा मैं स्वतः चलूंगा ठीक है मैं खुद चलूंगा बात क्या है यहां पर आपका यही रहेगा ठीक है है ना लेकिन अगर हम किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप खाना खाइए वहां पर क्या हो गया वो आप खाना खाइए का मतलब है कि वहां पर आप शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लेकिन अगर मैं ऐसा कहूंगा कि मैं आप ही खाऊंगा मैं आप ही खाऊंगा तो इसका मतलब है कि खुद खाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा शब्द यहां पर भी आप है वहां पर भी आप है ठीक है बस ये आपको ये समझना है कि जब वक्ता जो है वो अपने लिए ही कहे तो समझ लेना कि वो आपका निजवाचक है जब वो दूसरों के लिए आप शब्द का इस्तेमाल करें तो समझ लेना कि वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो रहा है ठीक है यही है जो मेन चीज है जो यहां पर आपको याद रखनी थी ये छह भेद रहे आपके देखना किस चीज के जो आपका सर्वनाम के भेद रहे हैं पहला प्रश्न यहां से यही बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं तो पहले आपको ये चीज याद रखनी है दूसरे नंबर पर आपको याद रख लेना है कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें कब जो है वो संबंध वाचक सर्वनाम में भी आ जाएगा ठीक है उनको याद रखना है इसके अलावा अन्य जो भेद हैं उनको थोड़ा सा देखना है और आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए संख्या इसकी जरूर याद रख लेना कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि कितनी संख्या रही है संख्या में मूल रूप से कौन कौन से शब्द आते हैं जो ग्यारह है वो याद रखने हैं ठीक है क्योंकि ये प्रश्न जो है किसी पीछे परीक्षा में पूछा गया था देखना तो उनको थोड़ा सा देख लेना ठीक है और बाकियों से तो आपको कोई ऐसी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए बस इन इन चीजों को याद रख लीजिए आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा कहीं किधर, किधर भी आपको जाने और तो अभी के लिए हम जानेंगे अपना विशेषण के बारे में जो कि आपका अगला ओके देन, बाय, हैव अ गुड